नमस्कार, मैं हूं अजय आशीर्वाद। आज सुबह से महाराष्ट्र के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है उसमें एक राजनीतिक संकट फिर से आन पड़ी है। हमने 2019 में भी देखा था किस तरीके से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह के वक्त पर एक ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी और फिर किस तरीके से उनकी अजीत पवार फिर से हटकर एनसीपी में वापस आ गए और उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी। लेकिन अभी तक हम जितना भी देख रहे थे वहाँ पर हमें लग रहा था कि जिस तरीके से कि कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है उसमें कि जो ज़रा कमज़ोर नज़र आ रही थी, मगर आज ये साबित हो रहा है जो आज जो घटनाएं जो गतिविधियां महाराष्ट्र में हो रही हैं उससे ये साबित हो रहा है कि शायद शिवसेना को हम लोगों ने किसी तरीके से अपनी स्क्रूटिनी से छोड़ दिया था और उसको जब एकजुट होकर माना जा रहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो आज जो शिवसेना के जो एक नंबर एक तरीके से दो नंबर उद्धव ठाकरे के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, वो अपने कुछ एमएलए सपोर्टर्स को लेकर सूरत में कैंप कर रहे हैं और ऐसा फिर से लग रहा है कि जैसे ऑपरेशन कमला, जिसको ऑपरेशन लोटस कहते हैं, जो कि बीजेपी ने कर्नाटका और मध्य प्रदेश में किया था कि दूसरों की सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई थी, वैसा फिर से एक बार होता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुबह हमने देखा कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे अचानक से गायब हो गए, फिर बाद में पता चला कि वो सूरत में अपने 12 एमएलएओं के साथ वहाँ पर विधायकों के साथ वहाँ पर किसी होटल में ठहरे हुए हैं। वो जो सुबह 12 का नंबर था वो दोपहर आते आते वो 30 एमएलए हो गए और ये एकनाथ शिंदे के जो क्लोज एड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अब उनके पास 30 एमएलए का सपोर्ट है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना का जो एसोसिएशन है वो हटा लिया है और साथ में ये ट्वीट भी किया है कि वो बाला साहेब ठाकरे की रास्ते पे चल रहे हैं और वो हिंदुत्व से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और पावर के लिए हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये ट्वीट बड़ा ही वेग नज़र आता है। कई लोगों का ये कहना है कि शिंदे अभी तक शिवसेना में ही है और शिवसेना उन्होंने छोड़ी नहीं है और इसीलिए वो बाला साहेब ठाकरे के बारे में लिख रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन एक उन बहुत सारे लोगों का जो कि पिछले कुछ महीनों का जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो थाने में और मुंबई के आसपास के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उसमें एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका एक तरीके से वहाँ पर वर्चस्व चलता है शिवसेना का उनके बदौलत। वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से नाराज़ है। उद्धव ठाकरे जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरीके से अब एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर एक वन ऑफ द मोस्ट वोकल ऑपोजिशन लीडर्स के तौर पर खड़े हैं। ना सिर्फ उनका शिवसेना का जो माउथपीस है वो लगातार मोदी सरकार पे अटैक करता रहता है, बल्कि उद्धव ठाकरे खुद अपने भाषणों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के जो डिसीजंस है उस पर अटैक कर रहे होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये देखा कि जब ये खाड़ी के देशों से जब पूरा बैकलैश हो रहा था नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जो रिमार्क्स थे प्रॉफिट पैगंबर के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेक्युलर नेशनलिस्ट स्टैंड लिया अपने एक भाषण में, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व वो होता है, बाला साहेब ठाकरे ये कहकर गए हैं कि हिंदुत्व वो होता है कि जो दूसरे धर्मों का भी रेस्पेक्ट करे, उनका आदर करे। और यही चीज़ हमने वहाँ उन्होंने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी कुरान को रेस्पेक्ट करते थे और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व वो होता, बाला साहेब ठाकरे ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू वो हो जो कि मंदिर में जाकर घंटियाँ बजाए, बल्कि वो होता है जो कि सेना में रहकर अपने और शहीद हो रहा है अपने देश के लिए। और उन्होंने ऐसे एक शहीद सोल्जर का नाम लिया जिनका नाम था औरंगज़ेब। तो ये सारी जो बातें हैं वो काफ़ी चौंका देने वाली थी। साथ में उद्धव ठाकरे इस तरीके के भी लीडर होकर उभरे जो लगातार मोदी सरकार पर अटैक इसलिए भी कर रहे थे जो कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को गिराने वाला, उनके स्टैचर को गिराने वाला प्रधानमंत्री मोदी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स की गलती की वजह से भारत को दूसरे देशों से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। फिर अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी का ये पूरा एपिसोड चल रहा है प्रवर्तन निदेशालय के प्रोब
उन पर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो वो उसमें सामना जो शिवसेना का माउथ पीस है उसमें एक एडिटोरियल उन्होंने निकाला, ये कहा कि अब सेंटर को अपने ओपोनेंट्स जो अपने अपना जो विपक्ष है जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है उनको एलिमिनेट कर देने के लिए बस अब हिटलर ने जिस तरीके से गैस चेंबर बनाई थी बस अब वही बाकी रह गया, बाकी सब मोदी सरकार ने सारा कुछ दिखा दिया। तो इस तरीके से जो सारी जो एक जो उद्धव ठाकरे का जो ये इंक्रीजिंग जो टेंडेंसी है कि एक सेक्युलर नेशनलिस्ट कैंप में रहे और उससे शिवसेना की जो अपनी प्रवृत्ति है जो कि एक हिंदुत्व और एक कम्युनल पार्टी की तरीके से महाराष्ट्र में उभरी उसका एक नेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो एक बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो इनर डायनामिक्स है शिवसेना का भी उसकी वजह से चेंज हो रहा है, जो स्टॉन्च शिव सैनिक हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़गी है, एक डिस्कम्फर्ट है कि उद्धव ठाकरे पावर में रहने के लिए अपनी जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है जो अपनी जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का ट्वीट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो उद्धव ठाकरे से नाराज़ है और शिवसेना को क्लेम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी बात करें तो एकनाथ शिंदे की नाराज़गी किसी से छुपी हुई नहीं थी महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे अपने आप को उद्धव ठाकरे के बाद द्वितीय स्थान पर हमेशा रखते थे, उनको शिवसेना में वो दर्जा दिया गया था, मगर कुछ सालों में ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे फिर से उनको वो अपनी जगह नहीं देते हुए अपने बेटे आदित्य ठाकरे को उभार रहे हैं, उनका एक उभरता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, उनका चेहरे उनकी छवि को बढ़ाया जा रहा है, उनको एक नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के बाद। तो इसमें एकनाथ शिंदे हालांकि वो पार्टी विप थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके से ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 30 MLA उनके साथ है और वो अब क्या करने वाले हैं ये आने वाले दिनों में तो हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जो एक नेशनल ट्रेंड है उससे ऐसा ही लग रहा है कि इसमें भी ये जब भी इस तरीके की कभी भी कहीं घटना हुई चाहे वो कर्नाटका में हुआ हो चाहे वो मध्य प्रदेश में, ये जो रेबेल MLAs है वो जाकर भाजपा के को ही समर्थन करते हैं। और हमने कर्नाटका और मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उन पर लागू नहीं होता है क्योंकि वो रिज़ाइन कर देते हैं, वो पार्टी नहीं बनाते है। एकनाथ शिंदे को 37 विधायकों की ज़रूरत है अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करना चाहे। 55 MLA हैं शिवसेना के पास तो उसमें से 37 विधायक चाहिए। अब 37 विधायकों में अगर उनके पास 30 भी हो तो वो काफ़ी होगा अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं, और BJP जिनके पास 106 विधायक है वो एक कमज़ोर असेंबली में जहां पर 30 विधायकों ने रिज़ाइन कर दिया एक रिड्यूस स्ट्रेंथ की असेंबली में अपनी मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं। तो उस सरकमस्टेंस में उस सिचुएशन में कोई किसी भी पार्टी को 144 जो मेजॉरिटी मार्क है असेंबली में उतने ML विधायकों का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सरकार बनाने में। और ये शायद अब आने वाले दिनों में भाजपा इस सिचुएशन को ऐसे आने वाले सिचुएशन को एक्सप्लोर कर रही होगी, देख रही होगी कि क्या इस तरीके से हो सकता है। एक दूसरा आंकलन भी आ रहा है कि ऐसे अफवाहें फैल रही हैं कि कांग्रेस और NCP के भी कुछ लीडर्स डिफेक्ट कर सकते हैं, और जब इस तरीके का कोलाहल अगर महाराष्ट्र में मच जाए तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, अचंभित करने वाली बात नहीं होगी कि अगर सेंटर महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे। लेकिन अभी तक जो हम सुन रहे हैं ये एक अनफोल्डिंग स्टोरी है, ये डेवलपिंग स्टोरी, अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ये जो रेबिलियन को बहुत ही कड़े सख्त तरीके से डील करने की कोशिश की है। जैसे ही खबर आई कि एकनाथ शिंदे सूरत में हैं तो वैसे ही उन्होंने जो पार्टी का विप का पोजीशन एकनाथ शिंदे के पास था उनको उस जगह से हटा दिया गया। साथ में वो मीडिया को दोनों शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ये बोला है कि उनकी सरकार स्टेबल है, हालांकि उसमें कितना फैक्चुअल है और कितना उनका स्पेक्यूलेशन है ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। साथ में ये एक बात उड़ती खबर आ रही है, कुछ अखबारों ने उसे रिपोर्ट भी किया कि एकनाथ शिंदे कई महीनों से गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट है BJP के CR पाटिल उनके साथ टच में थे। CR पाटिल आज गांधीनगर में थे, उन्होंने कहा उनका उसमें कोई हाथ नहीं है, मगर सूरत उनका जाना और किसी प्रदेश में नहीं जाना, एक सूरत जो BJP एडमिनिस्टर्ड स्टेट है गुजरात में वहाँ जाना एक तरीके से एक इंडिकेट तो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन कमल की एक शुरुआत
हो सकती है आने वाले दिनों में, हम देखेंगे। अब तो लगातार सारे शिवसेना के संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, लगातार अपने सरकार को स्टेबल बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो स्टेबिलिटी अभी हमें पिछले एक महीने में दिखी नहीं। हमें याद है कि किस तरीके से राज्यसभा में शिवसेना जो और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है, उसमें उनको एक राज्यसभा की सीट और ज़्यादा जीतनी चाहिए थी, मगर वो बीजेपी से वो सीट हार गए। और मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है। और अभी कुछ घंटों पहले ही अभी हमने देखा जब एमएलसी के चुनाव में, जहाँ पर एमवीए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 6 अपने कैंडिडेट उतारे थे और भाजपा ने 5 उतारे थे, भाजपा 5 के 5 को जिता के ले गई और एमवीए का जो गठबंधन की जो सरकार के जो कैंडिडेट्स उनमें से एक हार गया। मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है कहीं पर, और उस क्रॉस वोटिंग में अगर शिंदे सच में रेबेल कर रहे हैं तो उन्हीं के कैंप में से किसी ने क्रॉस वोटिंग की होगी। वो सारी बातें अभी तक साफ नहीं हुई है, आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है और एक एक खबर हम वायर के ज़रिए आपको एक उसका आकलन पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक फिर से जब अग्निपथ चल रहा है, अग्निपथ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों में आंदोलन चल रहे हैं महंगाई के खिलाफ, और यहाँ पर दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का प्रोब चल रहा है, तो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। और आज हम उस दरमियान उस बीच हमने ये देख लिया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक संकट, महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक राजनीतिक संकट आकर खड़ी हो गई है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। कुछ ही दिन पहले हमने शरद पवार को एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की कल्पना अपोजिशन कर रही थी, अब मुझे लग रहा है ये शरद पवार के लिए, और शरद पवार ने इसको कैटेगरिकली प्रेसिडेंट कैंडिडेट, राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनने के लिए कैटेगरिकली मना कर दिया था। अब शरद पवार के पास फिर से एक राजनीतिक चैलेंज है कि वो किस तरीके से 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, किस तरीके से अपनी एक्सपीरियंस और सीनियोरिटी को सामने लाकर इस सरकार को बचा पाते हैं, उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। और जो उन्होंने कहा था कि वो इसलिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके आगे अब एक अभी भी एक राजनीतिक जीवन में एक सक्रियता रखने की भूमिका है, उनमें उनका एक रोल रहेगा, उस रोल का चैलेंज जो है वो अभी टेस्ट होगा, और अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि ये जो एक सरप्राइजिंग गठबंधन तैयार हुआ था शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस, उसमें उसको एकजुट रखने में उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है, ये उससे पता चलेगा। साथ में ये बात भी हमें कहनी चाहिए कि जितना ज़्यादा शिवसेना इस पूरे सरकार के दौरान शिवसेना जितना कांग्रेस और एनसीपी के करीब आई, उससे ये बात जो है इससे एक हिंदुत्व कैंप में एक कोलाहल तो था ही। क्या इस कोलाहल का ये रेबेलियन नतीजा है, ये संकट उसकी वजह से हुआ है, या सिर्फ ये एकनाथ शिंदे की अपनी पर्सनल एम्बिशन की वजह से वो रेबेलियन कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे बातें साफ़ होती है वो पता चल जाएगा। वायर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और नमस्कार। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.